नमस्कार जोहार, मैं प्रतीक्षा झा दर्श न्यूज से। अभी हम स्थित है पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के निवास स्थान पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी शांति का माहौल बना हुआ है, कहीं भी चहल पहल देखने को नहीं मिल रहा है। यही वो स्थान है जहाँ से चंपई सोरेन जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे बीजेपी पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं या फिर अपनी कोई नई पार्टी बना सकते हैं। अभी इस सस्पेंस पर मुहर लगना बाकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनके घर के आगे उनकी इन गलियारों में कहीं भी जेएम का झंडा नहीं लगा हुआ है। चलिए आगे हम आपको लेके चलते हैं उनके मुहल्डी के कार्यालय में। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम उपस्थित हैं चंपई सोरेन जी के निजी कार्यालय में। यही कार्यालय है जहाँ से उन्होंने अपनी कार्यों का भार शुरू किया था। उस बीच में हमने अपना पोस्ट करके अपना जो सोच पूरा प्रदेश हमारा सोच को देख लिया है, उसी पर हम कायम हैं। बहुत जगह इसी तरह रुकते रुकते आ रहा था, घोड़ा घोड़ा काफी सुनता थे, वहां भी हम रुके। हमारा जो तीन गो ये है कहीं लिखे है, इस नाश हम बनेंगे या संगठन को बनाएंगे या उसी रास्ते में अगर अच्छा दोस्त मिलेगा तो हम दोस्ती करेंगे। अपने स्टैंड पर कायम है आप? अपना स्टैंड अभी तक पता नहीं खुल पाया है, अभी तक कहीं कि आगे क्या करना है, समय लगेगा। नहीं, हमारा हम तो 3 जुलाई को ही हम अपना बोल दिया कि हमारा नया अध्याय शुरू होगा। नया अध्याय में हमारा 3 गो प्रमुख हमने रखे हैं। हम सोचे थे संन्यास लेंगे लेकिन इस हमारा समर्थक निश्चित तौर पे लोगों का प्यार बहुत ज्यादा है, प्यार इनका प्यार है, इसीलिए शायद उस चिपकर को जोगा संगठन की ओर बढ़ेगा। उसके साथ साथ देखेंगे और कोई अच्छा दोस्त अगर मिलेगा। जेएमएम का तो कोई फोन नया था क्या? किसी नहीं, हमसे केवल एक बात नहीं, गुरु जी से भी बात नहीं, नहीं किसी से बात नहीं। जनता का सेवा करना है, जनता के बीच रहना। हमने पहले भी हमारा यहाँ इस धरती पर झारखंड धरती पर स्टूडेंट लाइफ से ही हम संघर्ष करते हैं, संघर्ष किया है। झारखंड आंदोलन में शरीक हुआ है, नेतृत्व में लंबा समय उनके साथ हमने, लेकिन अभी वो स्थिति में नहीं है मेरा दर्द को समझ सके, इसीलिए हमारा पहले हम सोचे थे हम सोना से ले लेंगे बैठ जाएंगे, लेकिन हजार हजार खर्चे करता रोड में आके लोग तो 6 बजे से इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का, और इसीलिए हम सेवा लगेंगे। कल कोल्हान से ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ दर्शकों के साथ बने रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।